विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही शौर्य जागरण यात्रा हिंदू मान्य बिंदुओं एवं हिंदू यात्राओं एवं सनातन संस्कृति पर लगातार हो रहे हमलों के प्रति हिंदू युवाओं के शौर्य के जागरण हेतु विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्रीय संयोजक सिंह नीरज जी दिनौरिया जी के आह्वान पर शौर्य जागरण यात्राएं आयोजित कर रहा है। यात्रा के दौरान प्रखंड खंड केंद्रों पर विशाल धर्म तथा सभा एवं शोभा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शिवपुरी जिला केंद्र पर शाम 8 बजे भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया। साथ ही कोलारस में भव्य स्वागत लुकवासा में विशाल धर्म सभा एवं सहभोज का भी आयोजन किया गया। यात्रा में मुख्य रूप से बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक अवधेश तिवारी, प्रांत महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख रिपुदमन भदौरिया, संजय शर्मा, रघुवंशी, हरिओम रघुवंशी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शौर्य जागरण यात्रा में सम्मिलित होने हेतु रनौद, इंदर, खतौरा, बदरवास आदि के कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए। मलेरिया और डेंगू की तरह समाप्त कर लेना चाहिए, क्या कहोगे? ऐसे लोग हैं जो भारत की भूमि पर भारत का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, भारत में ही रहकर सत्ता प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद सनातन को इस प्रकार से बोलने का काम कर रहे हैं। ये सही मायने में डेंगू मलेरिया ये खुद हैं कि जो भारत की भूमि पर रहकर भारत का अन्न जल ग्रहण करने के बाद भारत के खिलाफ इस प्रकार का भाषण देने की जो अपनी हिम्मत कर रहे हैं। इसके पीछे मानसिकता किसकी है आप? इसके पीछे वामपंथी विचारधाराएं हैं जो भारत को टुकड़े करना चाहती हैं, जाति मत पंथों में बांटना चाहती हैं। इसी के निमित्त संपूर्ण भारत में बजरंग दल कार्य कर रहा है कि ऐसी मानसिकताएं न पनपने पाए, इनको वहीं पर नष्ट कर दिया जाए। सही मायने में डेंगू कोरोना यही है, इनका इलाज भी बजरंग दल अपनी ताकत के रूप में जानता है और समय आने पर इनका उसी भाषा में इलाज किया जाए। एक तरफ सनातन धर्म का प्रचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और इनकी पत्नी जगह जगह जाकर मंदिर प्रदर्शन कर रही हैं और हमारे कुछ भारतीय लोग किस तरह सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, क्या कहोगे इनके बारे में? तो यही कहना होगा कि खाएंगे किसी की और गाएंगे किसी की। इसी प्रकार के लोग हैं, एक तो संपूर्ण विश्व में सनातन की अलख जग रही है, जो सनातन के लिए प्रचार प्रसार हो रहा है, जैसे बागेश्वर धाम जी हैं उनको भी विदेशों में मतलब बुलाया जा रहा है, कथाएं करवाई जा रही हैं, और दूसरी ओर इस प्रकार की मानसिकताएं पनप रही हैं, उन्हीं को नष्ट करने के लिए बजरंग दल शौर्य यात्राएं निकाल रहा है कि हिंदू समाज जाति मत पंथ से ऊपर उठकर देश की धर्म की रक्षा करने का काम। अयोध्या के परमहंस गुरु जी ने 10 करोड़ रुपए का नाम लिखा है उसके उदय निधि चलन के ऊपर, 10 करोड़ रुपए का इनाम, जो उसका शर्म कलम करके लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे। अब जो महाराज जी का व्यक्तिगत भाषण हो सकता है, बजरंग दल इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है अभी तक इसने जो बयान दिया है? प्रॉपर एरिया में उस प्रकार की कार्रवाई की गई है कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इस प्रकार के मानसिकताओं वाले लोगों का सही मायने में इलाज की आवश्यकता इन्हीं को है, इनका उचित डॉक्टर ढूंढकर उनका इलाज करवाया जाए। बजरंग दल निरंतर रूप से जो वहाँ पर रह रहे हैं कार्यकर्ता, वो उनके कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि उन पर उचित से उचित कार्रवाई हो, नहीं तो समाज आएगी, हिंदू समाज मैदान में आएगा और उचित रूप से उन पर इलाज किया जाएगा। बजरंग दल आरएसएस